तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो सभी विधायकों को शुभकामनाएं देते हैं कि जनहित के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जा सके, जनता के विकास के कार्यों का लाभ भी मिल सके। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था का विषय हो या फिर अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने का मामला, सरकार सभी पर विधि सहमत कार्रवाई करेगी। जिन मुद्दों पर भी बात होगी, सभी मुद्दों पर साफगोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जन सरोकार के मुद्दे उठें, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और उन सब पर बात होगी, बात होने के बाद ही। तो वही देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं विधानसभा में, गैलरी पर वो धरने पर बैठ गए हैं। तो गैरसैंण में सत्र आहूत करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, तो कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए हैं विधानसभा में, गैलरी पर बैठे हैं धरने पर वो, तो गैरसैंण में सत्र आहूत करने की मांग पर अड़े हुए हैं कांग्रेस विधायक। तो शीतकालीन सत्र के पहले ही हंगामा देखने को मिला, तो विपक्षियों की ओर से हंगामा देखने को मिला, तो कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो विधानसभा में गैलरी पर बैठे हैं धरने पर वो सभी। तो वहीं गैरसैंण में सत्र आहूत ना कराए जाने पर विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल बद्रीनाथ और द्वाराहाट के विधायक गैरसैंण में सत्र आहूत करने की मांग को लेकर विधानसभा की गैलरी में धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जहां विधायकों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द गैरसैंण में सत्र आहूत करे। तो शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षियों का हंगामा देखने को मिला, तो कांग्रेस विधायक लगातार ये नारे कर रहे हैं कि गैरसैंण के जो सत्र है उसको आहूत किया जाए। तो गैरसैंण में सत्र आहूत ना कराए जाने पर विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बद्रीनाथ और द्वाराहाट के विधायक गैरसैंण में सत्र आहूत करने की मांग को लेकर विधानसभा की गैलरी में धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जहां विधायकों ने यह भी कहा कि सरकार जल्द से जल्द गैरसैंण में सत्र को आहूत करे। तो पोस्टर के साथ धरने पर बैठ गए हैं और लगातार यही कहा जा रहा है, यही मांग सरकार से की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द गैरसैंण में सत्र आहूत करे। राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, ये संकल्प था सबका, परंतु बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी दो अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब बनती है जब वहाँ पर सत्र चलाया जाए, जब वहाँ पर स्टाफ रखाया जाए, जब सेक्रेटरी वहाँ बैठे, जब विधानसभा के मंत्री। और पहाड़ का बहुत बड़ा छलावा बीजेपी ने किया, इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया, लेकिन आज तक दूसरी विधानसभा हो रही है, ना इस बार का सत्र हुआ, ना पिछले बार का सत्र हुआ। ये बीजेपी के लोग, मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग जल जंगल पहाड़ की बात करती है, लेकिन ये सब उसके विपरीत है। आज पहाड़ में जिस तरीके का प्लान, पहाड़ में जिस तरीके की समस्याएं, ये सिर्फ एक फ्री राशन देके, मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि फ्री राशन देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही देखने के लिए कोटद्वार से स्कूली छात्राएं विधानसभा पहुंची है। बताया जा रहा है कि ये छात्राएं कोटद्वार आर्य कन्या इंटर कॉलेज की है जो विधानसभा पहुंची है।
तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही सत्र की कार्रवाई देखने के लिए छात्राएं पहुंची है। तो आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं बताई जा रही है जो कार्रवाई देखने के लिए पहुंची है विधानसभा की। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सुरक्षा व्यवस्था में एसएसपी मुस्तैद नजर आए हैं। तो दरअसल एसएसपी विधानसभा के बाहर लगे हुए हैं, तो अलग अलग बैरिकेड पर पहुंचे हैं जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा के मद्देनजर प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाए और किया भी जाए, तो उसी को देखते हुए मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं। स्तर पर जो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप तो हमको विधानसभा की सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए जो एक मूलभूत व्यवस्थाएँ करनी चाहिए वो हम करते हैं। उसी के तहत कुछ डायवर्जन की व्यवस्था, हमारे एक कॉम्प्रिहेंसिव डायवर्जन की व्यवस्था है वो हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कम्प्रोमाइज़ ना हो, वो हमने व्यवस्था कर ली है। स्तर पर जो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप तो हमको विधानसभा की सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए जो एक मूलभूत व्यवस्थाएँ करनी चाहिए वो हम करते हैं। उसी के तहत कुछ डायवर्जन की व्यवस्था, हमारे एक कॉम्प्रिहेंसिव डायवर्जन की व्यवस्था है वो हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो हमने व्यवस्था कर ली है स्तर पर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह से शुरुआत की गई? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के आक्रामक तेवर यहाँ पर देखने को मिले हैं। सदन के भीतर विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम यहाँ पर किया है। ये कह सकते हैं कि जो मंत्रियों का अधूरा होमवर्क था वो एक बार फिर आज सदन की जो पहली कार्रवाई अब तक लंच से पहले की जो रही है वो यहाँ पर देखने को मिला। चाहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा दिए गए अधूरे जवाब हों या फिर संसदीय कार्य मंत्री के जवाबों से असंतुष्ट नजर आता हुआ विपक्ष हो, पूरी तरीके से विपक्ष की यहाँ पर जो रणनीति है वो यहाँ पर सफल होती नजर आई है। उनकी तरफ से जो इशू जो यहाँ पर उठाए गए, जिन विषयों को यहाँ पर उठाने का काम किया गया वो सीधे तौर पर सरकार को घेरने वाले यहाँ पर रहे हैं। कई विषय ऐसे रहे जिस पर पीठ को यहाँ पर निर्देशित करना पड़ा और पीठ की तरफ से सरकार को निर्देश दे दिए गए कि पूरे मामले की विवेचना यहाँ पर की जाए। उसमें कह सकते हैं कि मुख्यमंत्रियों का विशेषाधिकार जो हनन का जो मामला था उस पर पीठ ने साफ तौर पर सरकार से इस विषय पर चिंता करने के लिए कहा है कि जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के जो सदस्य हैं उन के अधिकारों का हनन ना हो, इस बात का ध्यान कम से कम यहाँ पर रखा जाए। इसके अलावा जो सदन की जो कार्रवाई अब तक की जो रही है उस कार्रवाई में कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान विधायकों से ज़्यादा कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए। विकासनगर से बीजेपी के जो विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, उनकी तरफ से सीधे तौर पर जो पर्यटन मंत्री थे उनसे यहाँ पर सवाल जवाब पूछा गया, वन मंत्री से भी सवाल जवाब पूछे गए जिस पर विधायक मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने ही मंत्रियों को घेरने का काम यहाँ पर किया और सरकार का अधूरा होमवर्क एक बार फिर यहाँ पर नजर आया। लेकिन बिल्कुल अब क्योंकि विपक्षियों के लगातार क्योंकि पहले से ही हंगामा शुरू हो गया था, तो वहीं कहा जा रहा है कि कुछ विपक्षी ऐसे भी कांग्रेस की तरफ से जो विधायक है वो धरने पर बैठे हुए, लगातार गैरसैंण को लेकर जो है सत्र के आहूत करने की मांग चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्र को पहले देहरादून से गैरसैंण में करने की मांग उठाई जा रही थी। बिल्कुल, कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने गैरसैंण में सत्र आहूत कराने को लेकर सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम यहां पर किया है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा की जो गैलरी है उस गैलरी में बैठने का काम उनकी तरफ से किया गया। तख्तियां लेकर उन्होंने बाकायदा अपना विरोध यहां पर दर्ज कराया कि गैरसैंण में सरकार इस कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद से दो सत्र आहूत नहीं करा पाई है। दोनों सत्र देहरादून में हुए जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब था कि अगर वहां पर सत्र आहूत होता है कम से कम सरकार अगर वहां संचालित होती है तो फिर पहाड़ का विकास सुनिश्चित हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि गैरसैंण की उपेक्षा लगातार यहां पर की जा रही है, मात्र शासनादेश जारी करने से कुछ नहीं होता है। अगर सरकार की बिल्कुल विपक्षी लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार का एक जो है पहाड़ी विरोधी चेहरा भी सामने आया है, क्योंकि गैरसैंण को लेकर एक मौका मिल गया विपक्षियों को भी।
गैरसैंण शुरू से ही, चाहे राज्य स्थापना से पहले से ही, ये कह सकते हैं कि गैरसैंण एक जनभावनाओं का विषय यहाँ पर रहा है। उन जनभावनाओं के विषय में ये कह सकते हैं कि गैरसैंण हमेशा ही राज्य आंदोलनकारियों का, उत्तराखंड राज्य के जो लोग हैं उनके भावनाओं का केंद्र यहाँ पर रहा है। ऐसे में सरकार की मंशा थी कि गैरसैंण को अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जाता है तो फिर वहाँ से पहाड़ का विकास सुनिश्चित हो सकता है। सरकार की तरफ से उसकी घोषणा बाकायदा यहाँ पर की गई थी, लेकिन घोषणा होने के बाद अभी तक ये कह सकते हैं कि सरकार के जो सत्र आहूत हुए विधानसभा के, वो देहरादून में ही आहूत हुए हैं। पूर्व में जो बजट सत्र सरकार की तरफ से आहूत किया गया था वो देहरादून में आहूत किया गया था, जबकि उस समय सभी विपक्षी सदस्यों की मांग थी या ज़्यादातर विधायक जो पहाड़ से जुड़े हुए हैं वो गैरसैंण में सत्र कराना चाहते थे। लेकिन सरकार ने ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्राओं की व्यवस्था को देखते हुए, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएँ बाधित ना हो उसको उसका ध्यान रखते हुए सत्र को देहरादून में आहूत करने का काम किया था। और यही वो वजह रही कि जब दूसरा शीतकालीन सत्र भी देहरादून में आहूत हुआ तो विपक्षी विधायकों को एक और मौका यहाँ पर मिल गया सरकार को घेरने के लिए। उन्होंने आज बाकायदा गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मांग करी है कि सरकार को गैरसैंण के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। गैरसैंण जो पहाड़ की भावनाओं का मूल केंद्र यहाँ पर रहा, पहाड़ के विकास के लिए केंद्र माना जाता है, वहाँ पर सत्र आहूत कराना चाहिए ताकि वहाँ पर विकास भी हो सके। ये कह सकते हैं कि सरकार को अब चिंता करनी होगी कि आखिर जो अगले जो सत्र होंगे उनको कम से कम गैरसैंण में यहाँ पर कराने की बात की जा सकती है। लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार पर हमले यहाँ पर कर रहा है और सरकार से बचाव की मुद्रा में अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब क्योंकि सदन के बाहर एक अलग तस्वीरें भी देखने को मिली, सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ते इंतजाम किए गए, हम तस्वीरों में देख रहे थे। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस बार जैसे परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिली थी, इससे पहले कह सकते हैं कि जब विधानसभा में जो भर्ती घोटाला सामने आया था, विधानसभा में जिस प्रकार से कर्मचारियों को निरस्त करने का काम यहाँ पर किया गया था, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था इस बार सत्र में और कड़ी देखने को मिल रही है। सुरक्षा तीन लेयर में इस समय समझी जा सकती है, यानी विधानसभा के बाहर से लेकर विधानसभा के भीतर तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था इस तरह बड़ी चौकस यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि विधानसभा से 300 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू की गई है, यानी गेट से अंदर एंट्री करने पर आप बिना पास के एंट्री नहीं कर पाएंगे। जो कर्मचारी है उन्हें भी अंदर आने के लिए अपना पास यहाँ पर दिखाना जरूरी होगा। इस विधानसभा के भीतर भी कह सकते हैं कि अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई है, जो सुरक्षा के जो मानक उन मानकों को हर कसौटी पर रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सीधे तौर पर इस बात के लिए है कि किसी भी प्रकार से सत्र की जो सुरक्षा वो बाधित ना हो, कोई भी यहाँ पर प्रिय घटना ना घट सके, विधायकों का जो सम्मान है वो पूरी तरह से यहाँ पर बरकरार रह सके, सदन की कार्रवाई निर्विघ्न रूप से संचालित हो सके, उस पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा यहाँ पर करने का काम किया गया है। जी जी, अब ये तो रही सदन के बाहर की बात, सदन के अंदर आते अब सीधे, क्योंकि विपक्षियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ सवाल दागे गए, क्योंकि आपने ये भी बताया कि सत्ता पक्ष की ओर से भी सवाल दागे गए थे, क्या कुछ सवाल थे? सबसे पहले ये कह सकते हैं कि सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह दोनों की तरफ से नियम 310 के तहत कार्य स्थगन का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया। उनका सीधी मांग थी कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सदन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को रोक कर चर्चा कराने की जरूरत है, ताकि सरकार की तरफ से हल यहाँ पर निकाला जा सके, कानून व्यवस्था सुदृढ़ यहाँ पर हो सके। ये कह सकते हैं विपक्षी विधायकों ने उसकी पुरजोर कोशिश यहाँ पर करी, पीठ की तरफ से विपक्ष की इस मांग को नियम 58 में सुनने के लिए यहाँ पर स्वीकृत किया गया। नियम 58 में कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर चर्चा होगी, उस बात को यहाँ पर सुनने का काम यहाँ पर किया जाएगा, उस पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे ऐसे विषय रहे प्रश्नकाल के दौरान, जब विधायकों के सवालों पर जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे वो अधूरा उनका होमवर्क यहाँ पर देखने को मिला। वन गुजर कौन कौन से सवाल थे अभय जिस पर अधूरा होमवर्क देखने को मिला है? सबसे बड़ी बात थी कि जो पर्यटन मंत्री से जब इस पिथौरागढ़ में जो ड्यूलिक गार्डन बनाया गया था उसको लेकर जब सवाल पूछा गया था तो मंत्री का जो जवाब था उस जवाब से विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए। बाद में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के तौर पर जब विधायक ने पुनः उन सभी चीज़ों के, यानी जो कार्य वहाँ पर किए गए थे ड्यूलिक गार्डन को लेकर, जो काम वहाँ पर किए गए थे, तो दो जगह जो पार्क बनाने का काम हुआ था उसकी कुल लागत पूछने की कोशिश यहाँ पर करी थी, किस दर में पौधों को खरीदने का काम किया गया था, तो उस पर भी मंत्री जवाब नहीं दे पाए। ये एक पहला सवाल था जिस पर मंत्री घिरते हुए नजर आए। इसके बाद वन गुजरों के मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल भी घिरते हुए नजर आए। सुबोध उनियाल जो कि वन मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो जवाब वहां पर दिए गए थे वो जवाब विधायकों को संतोषजनक यहां पर नहीं लगे। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस वन गुजरों के मामले पर जब सवाल पूछने की कोशिश की तो मंत्री की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया। साथ में ये कह सकते हैं कि धर्मस्व मंत्री से जब पर्यटन को लेकर कुछ और सवाल यहाँ पर पूछे गए थे तो उनका भी ये कह सकते हैं कि जो जवाब था वो संतोषजनक
आश्चर्यजनक नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर विधायकों को आश्वस्त करने वाला एक जवाब रहा। तो क्या कहा जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल किया है, क्या कहा जाए? अब एक तरह से अंदरूनी कला देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली भी बुलाया गया था पूर्व सीएम को, जो लगातार जो अपनी अपनी ही सरकार के बारे में बयानबाजी देते हुए नजर आए थे। तो खुद आला कमान ने जो है इसको लेते हुए फटकार भी लगाई थी और एक चेतावनी भी दी थी, उसके बावजूद भी अंतःकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल, इसे अंतर्कलह या गुटबाजी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो सत्र की अवधि है, उस सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग विधायक लगातार यहां पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 से 3 दिन के भीतर सत्र को समाप्त करना या सत्र आयोजित करना पूर्णतः निश्चित नहीं लगता है, क्योंकि 70 विधायक हैं, 70 विधायकों में अगर हर विधायक अपना एक प्रश्न भी लगाता है तो फिर 3 दिन में वो सारी चीज़ें निकल कर बाहर नहीं आ पाती। उनके जो क्षेत्रों से जुड़े हुए जो विकास की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए सत्र को लंबा बढ़ाने की मांग कर रही है। ऐसे में सीमित समय की जो मांग यहां पर चल रही है, उस सीमित समय को देखते हुए विधायकों को जब भी मौका यहां पर मिलना, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, उनकी तरफ से लगातार सरकार को घेरने का काम यहां पर किया जाता है, क्योंकि ये विधायकों की मंशा है जो अपने क्षेत्र के प्रति लगातार जागरूकता के साथ वो काम यहां पर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए जो पहलू हैं वो सदन के पटल पर रखे जा सके। जो विकास की योजनाएं उनके क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है, कम से कम उन विकास की योजनाओं पर जो अभी तक की जो अनदेखियां हुई है उस पर सरकार सदन के पटल पर जवाब दे, ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके उनकी जो उनके क्षेत्र के विकास को लेकर। बिल्कुल, ध्यान आकर्षित की आप बात करें कि एक एक फोटो ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया लोगों का, क्योंकि जब सत्र शुरू होने वाला था तो सीएम धामी विधानसभा अध्यक्ष से तो मिलने पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष से भी मिलने पहुंचे थे, एक शिष्टाचार भेंट जो है उनसे की गई थी, जो तस्वीर काफी ज्यादा ध्यान खींच चुकी है लोगों को अपनी तरफ। बिल्कुल, इसे ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो व्यक्तित्व है वो सिंपल सादगी बराबर है, और वो दलगत राजनीति से ऊपर उठने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से उनके जो कक्ष हैं उन कक्षों पर जाकर भेंट वहाँ पर करी थी। सदन को शांतिपूर्ण चलाने की मांग उनकी तरफ से यहाँ पर की गई थी। साथ में सदन के भीतर भी जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे, क्योंकि नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो उनकी तरफ से विपक्षी सदस्यों का ये स्वागत वहाँ करने का काम किया गया। उन्होंने सभी विधायकों से बातचीत की, सभी विधायकों से उनका हालचाल जाना, सबको शुभकामनाएं देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया, और कोशिश की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधायक ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषय सदन के पटल पर ला सकें, ये उनका प्रयास है, ताकि सरकार उनके क्षेत्र और सदन की कार्रवाई काफ़ी शांति से चल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार जिले की झबड़ेला विधानसभा से विधायक वीरेंद्र जाति साइकिल से विधानसभा पहुंचे, तो इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए फैसला लिया है कि वो साइकिल से विधानसभा जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है कि हरिद्वार जिले में चिकित्सकों के कई पद खाली थे लेकिन उन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। तो विधायक ने आगे कहा कि कई दफा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से ये बात भी कही है लेकिन कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है। देखिए, प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई है, लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, ये अपने किए गए वादों पर भी नहीं रहना। खबर मसूरी से है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स पर लागू कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट के विरोध को लेकर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने चक्का जाम कर दिया है। तो इस दौरान टैक्सी और जीप एसोसिएशन के कार्यालय में ताला लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो इस विरोध के चलते यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए और वाहनों के फिटनेस टेस्ट को पहले की तरह किए जाने की मांग भी की है।
हमारी सरकार से मांग है कि जो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खुला है इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग, और इसके चक्कर में आज हमने पूरा उत्तराखंड में टैक्सी मैक्सी सारी गाड़ियों का आज हमने चक्का जाम करवाया है। बस लोग बड़े पीड़ित हैं, लोग खुद मेरे को जो है पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, चक्रौता से, उत्तरकाशी से, पौड़ी, टिहरी, सब जगह से, सब यूनियनों के अध्यक्ष लोगों के फ़ोन आए हैं, हरिद्वार से, रुड़की से, बंगलौर से, पूरा आज चक्का जाम है। और अभी 11 बजे हम देहरादून बन्नो स्कूल ड्रेस कोर्स से विधानसभा कूच करेंगे। तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पत्र और विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट पर मामला गरमाता जा रहा है। तो मामला बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्यरत एक कार्मिक राकेश सेमवाल की वरिष्ठता और एसीपी विवाद से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे मामले में अध्यक्ष अजेंद्र अजय शासन स्तर पर अब समिति बनाकर जांच कराना चाहते हैं। तो वहीं कार्मिक राकेश सेमवाल का कहना है कि अध्यक्ष को गुमराह कर उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, वो हर तरह की जांच कराने के लिए तैयार है। कार्मिक के वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी प्रकरण विभिन्न माध्यमों से मेरे संज्ञान में आया था, और जब मैंने प्रकरण की छानबीन की तो मुझे जानकारी मिली कि पूर्व में जब उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड था तब तत्कालीन मुख्य कार्य अधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर, उनके स्तर से भी इस मामले का परीक्षण किया गया था। इसके अलावा तत्कालीन फाइनेंस कंट्रोलर ने भी इस मामले का परीक्षण किया था और उसका निस्तारण किया था। लेकिन जब शासन स्तर से भी इस मामले में कई पत्राचार चल रहे थे तो मैंने शासन को ही अनुरोध किया है कि वो स्वयं अपने स्तर से, मैंने बिना कागजों के बोलना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सरासर गलत है, और हो सकता है उनको भी कि मैंने विभाग ने कुछ ऐसी जानकारी दी हो इस वजह से बोल रहे हैं। लेकिन वैसे अगर इंडिविजुअल मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे कि उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं तो उसमें वो मेरी वो कर सकते हैं पूरी जांच। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।